हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। सो गाइस इट्स टाइम फॉर बिग बॉस 18। आई नो वी ऑल आर सुपर एक्साइटेड, सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इन माइक्रो सेकंड्स। सलमान इज बैक एज अ होस्ट हु विल रोस्ट, एंड दिस टाइम द थीम इज वेरी इंटरेस्टिंग, टाइम का तांडव। और अगर हम घर के बारे में बात करें, सो 45 दिन में 200 वर्कर्स ने मिलकर इस मास्टरपीस को तैयार किया, एंड व्हाट शुड आई से, एंशिएंट लाइक एम्बियंस दिस सीजन। सो मेकर्स ने जेल कॉन्सेप्ट भी रखा है, एंड इफ वी टॉक अबाउट द बेडरूम्स, इट्स कार्व लाइक बेडरूम्स, किचन इज गिविंग अ फोर्ट लाइक वाइब, लिविंग एरिया हैज अ सिविलाइजेशन फील, एंड काफी सारे सीक्रेट एंट्रेंसेस होने वाले हैं कंटेस्टेंट्स के लिए और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्रीज के लिए भी। अगर मैं कंफर्म कंटेस्टेंट्स की बात करूँ, सो लिस्ट जो मेरे पास है, निया शर्मा, नायरा बैनर्जी, करमबीर मेहरा, शहजादा धामी, विवियन दसना, चाहत पांडे, शिल्पा शिडोरकर, तजिंदर पाल सिंह बग्गा, रजत दलाल, अविनाश मिश्रा, लाइस कौशिक, सारा आरफीन खान एंड आरफीन खान। नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर सम गॉसिप, इन्फॉर्मेशन काफी हो गई है, एंड फॉर दैट आई हैव 4 to 5 गॉसिप गर्ल्स विद मी हु आर डाइव हार्ड फैन ऑफ बिग बॉस, सो लेट्स कॉल देम वन बाय वन। सो फर्स्ट इज अंजना। सो हाय अंजना, बिग बॉस सीजन 18 आने वाला है, कितने एक्साइटेड हो आप? जी मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बार का थीम जो है वो टाइम का तांडव है, तो देखने में मजा आएगा कि क्या स्पेशल होने वाला है, कौन कौन से नए चेहरे होने वाले हैं। और हमारे जो डैपर होस्ट है सलमान खान, पहले ऐसी अफवाहें आ रही थी कि जैसे वो शो शायद नहीं करेंगे इस बार, तो आप कितने एक्साइटेड हो उनको वापस देखने के लिए? सलमान के बिना तो बिग बॉस तो बिलीव नहीं कर सकते कि हम उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि सलमान की वजह से ही काफी लोग देखते हैं, और इसीलिए मैं भी देखती हूँ बिग बॉस कि सलमान है इसलिए। और सीजन का थीम आपने देखा, उस पर क्या बोलोगी? सीजन का थीम जो है वो है काल का प्रेडिक्शन, समथिंग अबाउट कि पास्ट और फ्यूचर बता रहे हैं इस बार, तो मजा आएगा देखने में कि क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे बिग बॉस इस बार। इस बार के जो 13 कंफर्म कंटेस्टेंट्स हैं, उसमें से कौन सा लगता है कि दमदार रहेगा और कौन सा टाइटल फुस हो जाएगी? आई थिंक निया शर्मा, कि निया शर्मा शो को थोड़ा स्पाइस दे सकती है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में जिस टाइप की वो स्टंट्स करती थी और जैसा उनका कैरेक्टर है, तो जैसी वो है तो वैसा बिल्कुल बिग बॉस का तड़का लेकर आने वाली है वो इस बार बिग बॉस में, तो आई गेस कि वो जीत सकती है। आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? सीजन 13। मैंने गेस कर लिया था सीजन 13 ही बोलोगे आप। और सीजन 13 में फेवरेट कंटेस्टेंट डोंट से सिद्धार्थ शुक्ला। तो सिद्धार्थ शुक्ला का उसी सीजन का ना एक डायलॉग था जो काफी वायरल हुआ था, काफी क्लिप्स बनी थी, वो याद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाड़ में जाओ, मैं यहाँ किसी की चाट लेने आया हूँ। इसी टाइम पर हम अब एक और गॉसिप गर्ल से बात करेंगे जो बिग बॉस की बड़ी फैन है, और वो है स्वाति सिंह। हाय स्वाति। हेलो, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बस बिग बॉस की तैयारी है। मैं बोलने वाली थी कि स्वाति की शक्ल से ही पता चल गया कि स्वाति सुपर एक्साइटेड है, ऑन टीवी ऑन करके बैठी है बस कि प्रीमियर शुरू हो जाए, राइट? ऑलवेज ऑलवेज मैं बिग बॉस का हर सीजन फॉलो करती हूँ, बट कुछ कुछ स्किप हो जाते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता। और इस बार के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, तो इस बार का थीम आपको कैसा लगा, थीम पर क्या बोलोगे सबसे पहले? थीम पर मुझे लगता है फौजिया की थीम इस बार बहुत सोच समझ के बनाया गया है टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। हर बार पता है क्या होता है कि नया हर बार होता है, लेकिन इस बार हमने बहुत कुछ, हम ही बात इतना ज्यादा करने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं कि ये है ये है ये है, तो ऑडियंस तो है ही अट्रैक्ट वो उस पूरे थीम से। सो टाइम का तांडव है, और घर का जो मतलब इनसाइड विजुअल्स जो आए हैं दे आर सो ब्यूटीफुल, आपने देखे? सीरियसली मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट वो अभी जो ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज लग रही है सेट पे, एक नए मेहमान का सलमान खान से पहले आना वो, और वो मेहमान की शक्ल देखने के बाद ना फौजिया ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस पता है बहुत सारी चीजों से इसको, इतने मीम्स बनने वाले हैं बिग बॉस शुरू होने से पहले ही वायरल होने वाला है। जिनके चार पैर हैं, और अभी हम ओपन नहीं करेंगे, वैसे ओपन हो चुका है वो, लेकिन फिर भी उसके बारे में गॉसिप्स बहुत बनती है।
सलमान जो है उनका यंग वर्जन भी दिखाया और ओल्ड वर्जन भी दिखाया, तो आप सलमान के किस वर्जन को देखने के लिए सुपर एक्साइटेड है? एक्चुअली मैं बताऊँ ना, सलमान खान सभी को ना मतलब यंग में ही अच्छे लगते हैं, गर्ल्स का क्रश ही सलमान खान रहते हैं, मतलब ऐसा मैं सलमान की बहुत बड़ी फैन हूँ, कभी नहीं लगता सलमान को देख के कि वो कभी ओल्ड भी हो सकते हैं। हाँ। लेकिन इसमें ना उनका वो जो ओल्ड फेस दिखाया है सलमान खान हाँ। का, तो उसे देखने के बाद ना मतलब ऐसा हो रहा है कि ऐसे भी दिख सकते हैं कि सलमान खान, तो उसमें ना एक्साइटमेंट बढ़ रही है। जैसे कि मैंने अंजना से पूछा था तो उन्होंने बोला उनका सीजन 13 फेवरेट है, मेरा भी सीजन 13 फेवरेट है, आप बताइए आपका कौन सा है? सीजन 13, अरे 13, बिकॉज़ मुझे लगता है कि गर्ल्स को ना सीजन 13 में ज्यादा इंटरेस्ट आया, जिसमें लव स्टोरी, फ्रेंडशिप और कंट्रोवर्सी सब कुछ एक साथ देखने को मिला है, मतलब वो सब नहीं था। आई थिंक सीजन 13 ही एक ऐसा सीजन था जिसे एक्सटेंशन भी मिला, मुझे लगता है फॉर रीजन भी यही रहा है क्योंकि एक तो कंटेस्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे थे, मतलब लोग तैयार होके आते हैं, लेकिन 13 में लोग तैयार होके नहीं आए थे, वहां पर अच्छे से खेले थे। सीजन 13 में फेवरेट कंटेस्टेंट की बात हो गई, लेकिन अभी मैं आपसे पूछूंगी सीजन 13 का वर्स्ट कंटेस्टेंट कौन था? वैसे तो ऐसा कोई था नहीं मेरे लिए, मेरे सभी सब में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग था, लेकिन आसिम मुझे लगता था क्योंकि आसिम लोगों की बातों में आ जाना, लेकिन माहिरा का मुझे सबसे ज्यादा लगा था क्योंकि शी इज लाइक मतलब सलमान खान के साथ ही एटीट्यूड दिखाना कि वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके इतने मीम्स बने थे, तो वो सारी चीजें लेके मुझे माहिरा लगी थी क्योंकि एक होता है एक फेज जो आपको शुरू में ही पसंद नहीं आता और एंड तक पसंद नहीं आता, माहिरा मेरे लिए वो थी 13 में। मुझे माहिरा और पारस चावड़ा का भी समझ नहीं आता था कि वहां पर उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, कभी एक साथ होते थे, कभी वो खाना भी खिला रही है और कभी एकदम हो जाता था अलग अलग हो जाते थे। माहिरा और पारस जो है ऐसे कॉन्टेस्टेंट मुझे लगता है फौजिया हर बिग बॉस के सीजन में होते हैं, लैंग्वेज भी हम हमेशा यूज करते हैं नॉर्मल की, कुछ ऐसे नमूने हमें हर सीजन में मिल ही जाते हैं, जैसे कि 13 में मायरा और पारस मिले थे और उसके बाद एक्चुअली सीजन 13 में बहुत सारे नमूने थे, इफ यू गो बाय वन बाय वन। बिल्कुल ऐसा होता है हर सीजन में कोई ना कोई नमूना, जैसे कि विशाल और विशाल के साथ साथ उनकी जो एक्स देखकर हाँ, तो ऑडियंस वही पसंद करती है, और अब क्या होता है कि हर सीजन में जो कंटेस्टेंट आते हैं वो देखकर वही ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, अगर हम वर्स्ट बिग बॉस सीजन की बात करें अब तक के सारे, मतलब 18 सीजन शुरू होने वाला है, 17 सीजन की अगर हम बात करें, तो उसमें हिट तो हम सबने बोल दिया सीजन 13, लेकिन जो वर्स्ट सीजन था वो कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? मैं अकॉर्डिंग बता दूं, जब प्रियंका का अनाउंसमेंट हुआ था ना कि वो टॉप सेकंड में भी नहीं है, रनर अप भी नहीं है, तो मेरा तो दिल टूट गया था। एक्चुअल में क्या था कि प्रियंका के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, कहते हैं कि बिग बॉस का विनर ही बॉस होता है, हाउस का पूरा ही बॉस, जैसे कि रुबीना थी और उसके सिद्धार्थ शुक्ला था, तो इनमें ना एक बॉस पर्सनैलिटी थी जो सबने देखी, तो ऑडियंस को लगता था कि रूल करने वाला जो होता है ना वही विनर होता है, और प्रियंका में भी वही क्वालिटी हमें दिखी थी, तो एक उम्मीद थी, खुद सलमान खान को इवन फौजिया मैंने हमने एंड में भी देखा था कि सलमान खान को भी उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका हार जाएगी। काफी सीजन अगर हम उठाकर देखें तो इट्स लाइक एंड मोमेंट पे बिल्कुल चेंज हो जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वुड से अगर आपने वो वाला सीजन देखा होगा जिसमें तनीषा मुखर्जी, अरमान मलिक, गौहर और कुशाल थे, गौहर जबकि बाहर रहकर भी आई थी उसके बावजूद भी गौहर को विनर घोषित कर दिया गया था, जबकि मेरे साइड से मुझे ऐसा लग रहा था कि हम तनीषा मुखर्जी को दे सकते थे। तीनों एग्री करते कि सीजन 13 जो है वो मोस्ट पॉपुलर था, और हम सीजन 16 जिसमें एमसी स्टैन जीते थे और साजिद खान थे, उसमें मंडली बना ली थी इन लोगों ने, एक शिव ठाकरे, निमृत, अब्दुल रोजिक भी थे, वर्स्ट सीजन हमने उसको करार दिया है। तो अब मैं आपसे बोलूंगी दैट दोनों से पूछना चाहती हूँ कि सबसे अगलीएस्ट फाइट आपके हिसाब से बिग बॉस में कौन सी रही है? अभिषेक और उसका वो चिंटू, वो थप्पड़ वाला सीन। हाँ हाँ, एक वो भी तो थी सिम्बा के साथ लड़ाई हुई थी प्रतीक सहजपाल की, बहुत धक्का मुक्की हुई थी। मुझे सर ऑन व्हाई हाउ कैन वी फॉरगेट गौतम गुलाटी और करिश्मा तन्ना फाइट, कौन सा सीजन देखा है?
बिल्कुल देखा तो सीजन में सारे ही फॉलो करती हूँ, लेकिन ये है कि लड़ाई वाले मैटर में क्या होता है, जब भी लड़ाई हो रही होती है तो मैं सही गलत का फैसला कर रही होती हूँ, तो एट द एंड जाके क्या होता है कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है. अभी फाइट का अगर देखा जाए तो विशाल की जब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फाइट हुई थी और वो जो पैन लेके धड़ाधड़ बजा देता है, तो उसको ना आप कनेक्ट कर पाते हो कि मतलब ऐसे भी कोई कर सकते हैं कि हमारे हाथ में जो बर्तन है उसे ही बजाते चले जाओ, वो भी अपने एक्स के ऊपर. अगले फाइट की बात कर रहे हैं तो इसी फाइट पे अब हम मोनिका को बुला लेते हैं. श्योर. हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया. मोनिका, बिग बॉस के लिए चेहरे पे दिख रहा है मुझे 18वें सीजन के लिए कितनी एक्साइटमेंट है. बस इस बार इसी चीज का इंतजार है कि इस बार बिग बॉस क्या चाहते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है इस बार का सीजन, क्या होने वाला है, टाइम का तांडव एंड ऑल. मैं तो बिग बॉस की आवाज को काफी ज्यादा मिस करती हूँ कि बिग बॉस अभी चाहते हैं कि सभी लोग कॉन्फेशन रूम में एकत्रित हो जाएं, ये वो लिविंग रूम में, ये लड़की नहीं देखती बिग बॉस. ये जो जेल को लोग लाइटली लेते थे ना, इस बार जेल भी ना कुछ डिफरेंट बनाया गया है. और मुझे एक चीज और लगती है कि हर बार ना हम बिग बॉस में कैमरे जो होते हैं उनको सामने से देखते हैं कि ये कैमरे है ये. इस बार जो ज्यादा आंखें हमें बिग बॉस में दिख रही है ना, मुझे वही कैमरा होंगी, क्योंकि हर चीज में बहुत सारी जो सेटअप लगाया हुआ है तो उसमें ना हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डमी है, बहुत सारी ऐसी नई नई तैयार की गई है, तो आंखों का ज्यादा फोकस किया गया है. तो हो सकता है कि आंखों की पता ना हो कि यहाँ कैमरे हैं. अच्छा मोनिका, मैं तुमसे अब पूछना चाहती हूँ तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है, क्योंकि अंजना, स्वाति और मैं तो सीजन 13 करिश्मा तन्ना का जो रेवलरी था, उनका जो झगड़ा था, सब कुछ, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. अभी हम स्वाति और मैं यही बात कर रहे थे कि अगर हम बिग बॉस सीजन की अगलीस्ट फाइट की बात करें तो गौतम गुलाटी और करिश्मा तन्ना को कैसे भूल सकते हैं. गौतम गुलाटी कभी कभी बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात कर दिया करता था, लेकिन उसमें एक चीज थी जो कि उसकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी और बहुत ही बेबाक तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करना, बोलना और टास्क में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना, वो गौतम गुलाटी को आई थिंक सो दैट मेड हिम अ विनर. सो यू आर, मतलब ऐसा होता है ना बहुत बारी कि लाइक जैसे सिद्धार्थ शुक्ला तो विनर थे ही, गौतम गुलाटी आपके हिसाब से विनर हो गए, मतलब गौतम गुलाटी उस सीजन के विनर थे, लेकिन काफी बार ऐसा होता है जैसे मैं, स्वाति और अंजना बात कर रहे थे इस बारे में कि काफी बार ऐसा होता है कि सीजन में जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो रनर अप होता है या वो टॉप फाइव में ही आउट हो जाता है. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस, कभी किसी सीजन में ऐसा हुआ है कि आप एक्सपेक्ट किसी और को कर रहे थे, जैसे स्वाति प्रियंका को एक्सपेक्ट कर रही थी बट जीत गए थे स्टैंड. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शिल्पा शिंदे वाले सीजन में, जबकि हीना खान वॉज अ गुड कंटेस्टेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से एक उनका एक फ्रेम दे दिया गया था ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, कि एक टिपिकल बहू कैसी होनी चाहिए, ठीक है. उन्होंने स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया और बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ एक्सप्रेस करना, जबकि शिल्पा शिंदे वॉज फेमस फॉर हर वन लाइनर सार्कास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, और वो सबके लिए कुकिंग करती थी, वेरी केयरिंग एंड एवरीथिंग. जो मतलब गायब हो जाते बिल्कुल या जिनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिली होती है वो बिग बॉस का सहारा लेते हैं लाइमलाइट में आने के लिए, क्या ऐसा आपको भी लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हमने अभी साजिद खान को देखा था, जिस तरीके से वो नजर आए थे, उनका वो डूबा हुआ करियर और अपनी सारी चीजों को लेकर अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए आए थे, उनकी बहन फराह खान भी आई थी, तो ये पूरा देखा गया था. वो जो मंडली बनाकर, मंडली के एक हेड बनकर बैठे थे, पूरी मंडली को चला रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट बटोरना चाह रहे थे, अपनी एक पॉजिटिव इमेज लाना चाह रहे थे, बट मुझे लगा वो उनसे हुआ नहीं. पर मुझे लगता है इस चीज में ऑपोजिट केस भी है, जहाँ पर भाभी जी घर पर है, शिल्पा शिंदे वाज वेरी फेमस और वो जीतने के बाद वो पूरी तरीके से गायब हो गई, लाइमलाइट से बाहर, कहीं दिखती नहीं थी मीडिया के सामने, तो ये दोनों केस ही डिफरेंट है. अंजना आप क्या कहोगे? किस चीज पे कि जैसे मेरे को तो लगता था कि मुनावर वाला सीजन जो था, सीजन 17,
उसमें मैं चाहती थी कि अभिषेक जीते लेकिन मुनव्वर जीती, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुनव्वर जो है वो बस वो पहले से उसको पब्लिक उसको जानती थी, उसके पास एक फैंडम था एक हाँ, और लेकिन हाँ. अभिषेक जो था वो उसने एक सीरियल किया था उडारिया, उसके बाद वो आया, उसके बाद उसने काफी स्ट्रगल किया तो मेरे को लगता था कि वो जीते, लेकिन मुनव्वर फारूकी उसके पास वो वैसी रोस्टिंग करता है, वो वैसी उसका एक अलग ही स्टैंड अप कॉमेडी वाला है, तो वो एक फैंडम जो है उसको सपोर्ट करके वो ऐसे जीत गया इस लाइन, तो मुझे लगता है अभिषेक जीतना चाहिए था उस सीजन में, क्योंकि 3 महीने रहना आप अपनी पर्सनालिटी को फेक नहीं कर सकते, आप रियल आप दिखे जाते हो, शुरुआत की टाइम होती है जो शायद 15 दिन कुछ आप प्रिटेंड करते हो कि ऐसे हो वैसे हो, लेकिन सलमान खान जब आपकी क्लास लेने बैठ जाता है भाई साहब तब तो आप बच ही नहीं सकते, तब असलियत बाहर आ गई, पर्सनालिटी लेके बाहर आ गई। हाँ तो सलमान खान को, अच्छा एक सवाल मेरा आप लोगों से ये है, यहाँ पर सलमान खान को देखकर कभी आपको ऐसा लगता है वीकेंड का वार पे कि यार हमारा बॉस भी ऐसे ही है? हमारी बॉस अगर ऐसे वाट लगा दे तब तो हम गए। मोनिका ऐसा होता है कि बिग बॉस में सलमान खान वीकेंड के वार पर क्लास लगाते हैं, हमारे बॉस हर दिन क्लास लगाते हैं, तो वो हम उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमें सलमान खान से वीकेंड के बाद में कंटेस्टेंट्स को सीखने को मिलता है, तो वैसे हमें हमारे बॉस से भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है हर दिन। हमारे बॉस जो है हमें सारा टाइम कैमरे से देखते नहीं रहते हैं, बिग बॉस इतना सारा कैमरा हम बच ही नहीं सकते हैं, देखते रहते हैं। और बिग बॉस का इसीलिए बहुत सारे ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो रियल लव एंगल्स बने थे और कुछ फेक लव एंगल्स थे सिर्फ लाइम लाइट में आने के लिए। आप इस बात से मेरे प्रिंस नरूला और युविका चौधरी मिले थे बिग बॉस में, और उसके बाद देख लो आप उनकी शादी हो गई और सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, एंड कुछ तो मेकअप बनाते हैं। हाँ अगर वो पूरा सीजन देखा होगा तो प्रिंस और युविका के अंदर उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था। इवन पारस छाबरा और माहिरा वो अपनी मतलब जिस तरीके से पूरे बिग बॉस में कि एक दूसरे को लेकर इतना ज्यादा सीरियस नजर आते थे और ये सारी चीजें दिखती थी, लेकिन बाहर आने के बाद ना तो पारस का पता है ना माहिरा का पता है ना कभी एक साथ नजर आते हैं। तो केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है अगर बिग बॉस से तो तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की। जेन्युइन थे लाइक तेजरन तेजस्वी एंड करण कुंद्रा, देन इफ वी टॉक अबाउट सिद्धार्थ एंड शहनाज, लेकिन आसिम और हिमांशी का भी समझ नहीं आया, अली और जैस्मिन साथ हैं। अली जैस्मिन। सो आपके फेवरेट सिद्धार्थ को छोड़ के, सिद्धार्थ के अलावा आप लोगों के कौन से फेवरेट लव कपल है जिन्हें आप शादी के बंधन में बंधे हुए देखना चाहते हैं? तेजस्वी और मैं चाहती हूँ दोनों, क्योंकि दोनों साथ में बहुत अच्छे भी लगते हैं और मुझे लगता है उनका जो उन दोनों के पीछे केमिस्ट्री है ना वो जेन्युइन है, मतलब ऐसा नहीं है कि शो ऑफ के लिए है, शो ऑफ। हाँ मुझे रुबीना जुबैर और उनके हस्बैंड का जो केमिस्ट्री था, द वे उसका हस्बैंड उसके लिए इतना सपोर्टिव था, हर चीजों में स्टैंड लेता था उसका टास्क में, और जिस तरीके से वो उसने उसे संभाला हैट्स ऑफ। हाँ और जबकि वो लोग अब मतलब जब वो एंटर कर रहे थे तो उन्होंने बोला भी था कि हम अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आए हैं, हम अपने रिश्ते को सुधारने के लिए आए हैं। तो बिग बॉस आई थिंक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे, क्या लगता है? नहीं कभी कभी अच्छे रिश्ते वो टूट जाएंगे, कभी कभी जैसे आप अंकिता लोखंडे और विक्की का देख लो, तो ये जो मैरिज के रिश्ते होते हैं कि लड़ाई भी होती है झगड़ा भी होता है प्यार भी होता है बहुत रियल होता है, बट उनकी जो कपल थी बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थी। हाँ यार मुझे ऐसा लग रहा था कि अंकिता और विकी ना दे मतलब एक होता है ना प्री प्लान्ड पर्सपेक्टिव चेंज हो गया उनका बिग बॉस में आने के बाद से। हाँ और बाहर जब वो आए तो दे आर अगेन नॉर्मल, अंदर वो रोज लड़ते रहते थे हर दिन वो लड़ते रहते थे। एंड अंकिता का एक मीम वायरल हुआ था, एक क्लिप वायरल हुआ था आई थिंक वो वाला था ना, मैं टास्क नहीं करूंगी मैं सफाई नहीं करूंगी, समथिंग वाज दैट। विकी तू मुझे समझता नहीं है तो समझ मुझे अंकिता बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और लगती थी, तो भाई विकी बहुत ज्यादा लॉजिकल था, विकी अंकिता का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता था, इसी वजह से उन दोनों में बहुत ज्यादा ही क्लैश होता था। मुझे लगता है जब अंकिता आई थी सो यू नो
बिफोर शी केम टू बिग बॉस सबको ना एक सिंपथी था सुशांत सिंह राजपूत को लेके कि अंकिता उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है. एवरीबॉडी हैज दैट सिंपथी वाला सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर. मुझे लगता है अगर अंकिता, अगर सिर्फ अंकिता आती तो अंकिता जीत सकती थी शो. हाँ, यस, वाज हर बिग पॉइंट. 17 सीजंस हो चुके हैं. 17 सीजंस में हर सीजन में एक तो नहीं बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है. सो आपको क्या लगता है सबसे जो टॉप अगर 5 कॉन्ट्रोवर्सीज की बात करें तो कौन सी होंगी? एक तो बाबा वाला आपको याद होगा, अगर जो बाबा जी ने जो पेशाब कर दिया था. हाँ, वो वाली सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो तो मुझे याद है. हाँ, स्वाति. और एक वो की सीजन 13 में रश्मि को उसने बोला था सिद्धार्थ शुक्ला ने कि ऐसी लड़की बार पे याद है जब सलमान के सामने उसने बोला था सर ऐसी लड़की का क्या मतलब था भाई. वो सिद्धार्थ मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि वो सलमान के सामने भी लड़ जाता था. हाँ, मतलब किसी में इतना दम नहीं था कि सलमान के सामने भी लड़ ले. हाँ, सलमान को काउंटर करे बट वो करता था जी. और शुरुआत का सीजन का वीक आप देखो तो ऐसा लगेगा पारस वाज अ वेरी माइंड गेम चेंजर काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ही बदल देगा सब कुछ. शुरुआत का वीक उसका और लास्ट का वीक बहुत ज्यादा डिफरेंस, क्योंकि जब माहिरा के बाद सब कुछ हुआ तो उसके बाद बहुत ही वीक पड़ गया उसका गेम. और लोग पसंद करते हैं हाँ, पहले वीक में देख के ऐसा लगता है कि यार यही विनर होगा, देखना यही आखिर तक जाएगा. और फिर सारा गेम पलट जाता है, जिसे हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना वो जीत जाता है. हाँ, इस सीजन के जो मैंने नाम बताए थे, इस सीजन में आपको क्या लगता है तीनों को कौन ऐसा कंटेस्टेंट होगा जो एंड तक बने रहेगा? आई थिंक निया शर्मा नोन फॉर हर हॉटनेस और सैवेज रिप्लाई फॉर दिस सीजन. आई थिंक सो निया शर्मा. आई थिंक सारे वोट्स निया शर्मा को जा रहे हैं. निया बिग बॉस में पहले एक कॉन्सेप्ट आया था कि बाहर से कॉमनर्स को बुला रहे थे वो. फिर वो कॉन्सेप्ट अब वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को या फिर डिजिटल क्रिएटर्स को या फिर यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं. सो उस पर आपको क्या लगता है कि क्योंकि पहले तो सिर्फ सेलिब्रिटीज ही आते थे. तो जैसे आप, मुझे लगता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एल्विश यादव का देख लो सिस्टम, जो कि उसी की वजह से ट्रेंड सेट हो गया था सिस्टम वाला, तो उसको हमेशा बोला जाता था कि इसकी तो फैन फॉलोइंग इतनी है. बेबी का बोलती थी उसे, इसकी तो इतनी फैन फॉलोइंग इतनी है. वाइल्ड कार्ड एंट्री का जीतना फर्स्ट टाइम इट वॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग. तो सोशल मीडिया प्रेजेंस तो यार बहुत मैटर करता है आजकल. और ओटीटी वर्सेस टीवी क्या लगता है, ओटीटी ज्यादा मजा आता है देखने में या यू विल स्टिक टू द टीवी थिंग? टीवी टीवी 13 पॉपुलर है, तो सीजन 13 को अभी तक अगर 14 ले लें 15 16 या 17 चारों सीजन पे, अब मुझे लगता है लोग सीजन 13 को ही कॉपी करने का, बेसिकली जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं वो सीजन 13 ही देख कर आते हैं अब, और उसी को ही उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं. आपका खुद का पर्सनैलिटी बनाने का कोशिश करना चाहिए, ना कि किसी और का पर्सनैलिटी अगर आप कॉपी करो तो आप ज्यादा दिन तक तो नहीं टिक पाओगे उससे. लेकिन ये ना थोड़ी टाइम में वापस सामने आ ही जाता है कौन किसको कॉपी कर रहा है, कौन कितना पर्सनैलिटी ठंडा पड़ जाता है, अपने आप ही आ जाता है निकल के. सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन में एक और आइटम भी तो थी, निक्की तंबोली. मुझे लगता है बिग बॉस ना एक एक कैरेक्टर्स लेकर आते हैं टीआरपी के लिए, एक कैरेक्टर्स लेकर आते हैं. नौरा फतेह ही मिली थी हमें. हाँ, प्रिंस नरूला के सीजन में नौरा फतेह ही आई थी. हम राखी सावंत को नहीं भूल सकते. राखी सावंत को लाया जाता है बट उनके लिए बुरा लगता है कि वो बेस्ट देती हैं और इस चाहत से हर बार आती हैं कि मैं जीत जाऊंगी सीजन, मैं जीत. लेकिन एट द एंड जाके उन्हें होता है कि मुझे पैसे वाला बैग उठाना है. हाँ, यस, करेक्ट. यार ऐसी फनी पर्सनालिटी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कोई सीरियस आ जाएंगे, ओपिनियटेड आ जाएंगे, तो कुछ फनी नहीं रहेगा, मिर्च मसाला नहीं रहेगा, तो मजा नहीं आएगा. तभी मैंने बोला ना कि बिग बॉस जो है वो कैरेक्टर्स लेकर आते हैं, एक सीरियस कैरेक्टर होगा, एक ऑपोजिट कैरेक्टर दिखाएंगे, जो कि मेरा और आपका बन ही नहीं रहा. साथ में ऐसे कैरेक्टर्स लेके आते हैं कि इतनी बहस हो रही है, सब कुछ हो रही है, मजा आता है देखने में.
क्योंकि वो फिर इग्नाइट होता है ना सिचुएशंस। इस बार कॉमेडी का तड़का कौन लगाएगा, हमें वो अलग कंटेस्टेंट ढूंढने की जरूरत होगी। मैं यहाँ पर व्यूवर्स से भी पूछना चाहूंगी कि व्यूवर्स आपका फेवरेट सीजन कौन सा है, फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है, और आप कितने एक्साइटेड हैं बिग बॉस सीजन 18 के लिए, और कौन आपके हिसाब से बिग बॉस 18 का विनर होगा, ये भी बता दो कॉमेंट्स में। क्या कहते हो, सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल। हम ये कॉन्वर्सेशन अब कल करेंगे दोबारा, पहला एपिसोड देखने के बाद विल कम बैक एंड रिव्यू फॉर द व्यूअर्स, राइट गाइस? ओके।